ठीक है, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि सीधे मौत के साथ कोलैबोरेशन आए और हम सुने ही मत, हम देखे ही मत, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। 3-2-1, लेट्स सी क्या कर रहा है सीधे मौत। किंग एक्स काम एक्स एंड कोर। अच्छा किंग पागल हो गया, टू सून। या मैं खींचू अपने पागलपन की फोटो है फैक्ट, मैंने खींची अपने आईफोन से पर मोमेंट कोडेक। मैं आया पत्ते पैक करने, बस यू शुड नो दैट आई फीलिंग लाइक आई एम गोल्ड मैन, आई गॉटा शो दैट, गॉटा शो दैट। या आके देख लो भाई, मैंने नहीं खींच रिजाई, थोड़ी सी हुई पड़ी चाई, वो खींच रिटाई, किसने है पट्टी पढ़ाई, नॉर्थ ईस्ट से आई, खाने में रोटी नहीं राइस, दिखने में छोटी नहीं बड़ी आई हाइट, एनसीसी गेट के बाहर लगा दी मैंने गाड़ी और वो मुझे ढूंढती आई, साथ में एक चेली पकड़ती लाई, सफर में हो गई दो दो लुगाई, दोनों लुगाई के हैं बंदे घर बैठे सोच रहे बेबी नजर नहीं आई, बेबी नजर कैसे आएगी जो साथ गई मेरे, उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा हाई, शी लव्स टू गो फॉर वाइन एंड डाइन, शी लव्स टू पार्टी एवरी नाइट, और एवरेज हर बंदी की तरह तेरी बेबी ने एक से टैट छुपाए, मिलेगा पक्का देख गलाई, कॉलर बोन पे चिड़िया उड़ाई, या तो बंदे को बोल दूं मैं फ्रेंड के घर और सो जाओ तुम भी नाइसली, पूरी रात वो घर पे नहीं आई, सुल्तान कर गया पूरी चढ़ाई, मैंने झांझ में पेन उठा कर लिख दी पन्ने पे एक सच्चाई, ऐसा कुत्ता पालने का फायदा नहीं जो सर्दी में मांगे रजाई, ऐसी कुतिया नहीं बनती पाल तू जो मार्केट में खेली खिलाई, ऐसे बंदे नहीं होते दोस्त कभी जो सबसे दोस्ती बढ़ाए, और तेज रैप करके कोई फायदा नहीं जब बात ही समझ न आए, जन्म से जाति समझ न आए, रकम के साथ ही सनम भी आए, आके सीधे उतार के लगते मौत भी नंगा नाच न जाए, हम भी बैठे खेले खिलाए, अंतिम सांस तक पेलते जाएंगे, खास के खाएंगे माइक के हाथ से, रोल भी भाई के हाथ का जाए, मैं साथ में बीट बना दी, यू कार्टून कहता कि भाई इसे चोत के जाएंगे, मैंने भी गलियां बना दी है, हाईवे मोटी कमाई है, पेंट से लाई है खाकी कलर की, एक रैपर की पूरे साल की कमाई, व्हाट द फक हूज कॉलिंग मी, क्या छोड़ यार, मैं नहीं कर रहा बात, काम सुन, तू सुना अपनी, और सुन अनकोर को कॉल करके पूछ ले कहां पर है वो, मैं आता हूं तब तक फेम मूत के। कहानी एक बंदी की मिलती थी मुझे हौस खास में थी, पार्टी स्टार्टर मिली एनसीसी गेट पे 10 बार, मिलती थी पार्टी में दिखती, गाड़ियों में लाइनें काटती फिरती थी, और बिंदु मार्केट में कई मेरे दोस्तों के साथ, ये बात है 2014 की, करता था प्रमोशन हल्का फुल्का, पैसा बाप की गाड़ी भरता तेल हर रोजी, आई वॉज ब्रोक एज फक करने आता था काम, और डीजे कारमा ने शुरू में कह दिया था स्टे अवे फ्रॉम पुसी, तो मैं था काम पे एक दिन आके कहती वेयर इज योर फ्रेंड, कर रहे थे डेट वो दोनों सालों से नहीं पता, वो पिकनिक कर रहा है कॉल से बोल दे ना कि कॉल मी बैक, आई टोल्ड अ कूल और चल पड़ा करने काम लाइक इट नेवर हैपेंड, फिर एक रात क्लब में किसी उसी दोस्त के साथ ही हूँ, है बस एक किसकी का पैसा तो मैं एक ग्लास ही लूँ, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया मिलते लेकिन शेट स्कूल उस रात भी मिले दोनों थोड़े ऑकवर्ड थे, मैं खड़ा दूँ निकला फोन से जैसी बंदी आके बैठी क्लोज, मैं बार पे था उस ग्लास के साथ, वो आके पूछ रही कैसे हो, मैंने कहा सही, और आके ढूंढने लग गई दोस्त को, तो वो आने लग गई पास और पूछ रही विल यू बाय मी अ ड्रिंक और नो, मैंने कहा नहीं ये वाली शेयर कर लो, दोस्त ने देखा कहीं भीड़ थी बहुत, दोस्त की एक्स्ट्रा ने फील नहीं ब्रो, मेरे सर में चल रही है चीजें सो, जैसे इस बंदी का सीन क्या और कोशिश है मेरी इसे भाव कम दूं, लाइक हाउ डू आई टेल हिम कि उसने ये पूछा कि क्या तुम पे ग्राइंड कर लो, नौ साल बाद बैठा था स्टूडियो में बुला रहे थे दोस्त अपने घर पे थी हाउस पार्टी, अच्छा चेंज हो गए सोच के चला गया और काफी देर लोग जिन्हें जानता नहीं, वहां देखा मुझे एक जाना पहचाना सा चेहरा थी बावे वो वही बंदी, अलग सी लग रही थी अलग थे कपड़े और अलग थी बंदी की एनर्जी, ऐसी की कभी वैसी तो थी ही नहीं, जैसे दारू तो कभी कहीं पी ही नहीं, जैसे नशे और हौसला में जी ही नहीं, इस बंदी से सीखा मैं एक ही चीज कि कैसे कुछ चीजें बदल देती जिंदगी, पहले वो डूबी थी दारू में अब उसके गले में चोकनी, वो मंगलसूत्र पहनी है, पहले थी ग्रुपी अब दूध की थुली है, पहले तारा पर कोई डैडी है बच्चों की मम्मी है, घरेलू बंदी है शायद वो सोचे कि पहले बहुत मस्ती की अभी दो बच्चे और पति है, बदली वो चुकी थी बहुत जिम्मेदारियां, बहुत अच्छी मां अपने लिए बकनी, किया जो सही लगा देख के अतीत को फेंके वो जेब से, उसने सोचा कि ये बता कब तो कोई भागे और बचेगा चैन से, किया जो सही लगा देख के फक ऑनकोर कहाँ यार, ऐसे फोन करता हूँ एक सेकेंड। हेलो यार, बंदी तो पलट गई यार ये, जिसके साथ मैं आया हूँ यार शो के बाद। हाँ भाई, आई टोल्ड नो फकिंग फीलिंग्स ब्रो, पता नहीं क्या कह रही है। क्या कह रही है? दोस्तों से बात कर ले मेरे, रुक मैं तेरे को कॉल बैक करता हूँ यार, 2 घंटा दे मेरे को, उसको समझाता हूँ।
उस डम बेच को बातें समझ नहीं आ रही तो ये एक्स्ट्रा स्लो है। आई रियली लव यू फॉर द नाइट पर मेरे पे एक्स्ट्रा दो है। अगली दो रात के लिए तेरे नए डैडी के साथ रातें जेलो है जो जाती तुझसे एक्स्ट्रा लो है और एक्स्ट्रा थिक है और सेक्सी लिप्स है। होल्ड अप चल रहे मेरे एक्स्ट्रा लिप्स है क्योंकि अब वो लग रही एक्स्ट्रा जेलस और ये एक्स्ट्रा रिस्क है। एक नकली रेप के केस पे जेल विदाउट द बेल है और वो भी एक्स्ट्रा शिट है। तो ध्यान से सोच के मैं वापस बेड पे उसके साथ में मेरा हजार उसकी टांग से होता बांधरूनी जांग पे कमर से उसको अपने पास में कलाई को जितना टाइट से पकड़ूं उतनी लंबी सांस ले। गले से आता उसके कान पे बोलूं मेरी छोटी मोटी सी बातों को जान दे। मैं रहता हूं डिस्टेंट कितना डिस्टेंट बिद साथ पे आसमान पे बाकी उन्हें पेश दिए अपने पर पहले कॉर्ड के दाम पे। इस फनी कौन क्या क्या कर सकता है सॉरी के नाम पे और उससे याद आया आज रात के लिए थैंक यू। कल रात नया होटल बेड नया रेस्टोरेंट नया मेन्यू। तेरा दिल तोड़ना होता तो मैं पहले ही देता कह झूठ। इमोशनली अनअवेलेबल देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। सुन रही है इतने इतने नान के साथ है होंठ अभी भी चल रहे उसके कान के पास और उसने बोला फाइन आई गेट इट पर ये तेरा ही है लॉस बट प्रॉमिस मी यू विल कॉल अगेन। मैं हंस के बोला उसे ऑफ कोर्स बाय। क्या बात है। हेलो हां भाई हां यार गई वो सुबह गई बताता हूँ तेरे को मिलके कहाँ है तू किंग क्या ठीक है एड्रेस भेज पहुंच रहा हूँ मैं। मजा आ गया सुन के मजा मतलब क्रेजी गॉड द स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग। बेसिकली जिस तरह प्ले बॉयज होते हैं फक बॉयज होते हैं इस तरह ही फकल्स भी होती हैं। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अमेजिंग स्टफ गुड स्टफ। हाईलाइट ये है कि मैं रहता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंट कितना सातवें आसमान पे। लिरिसिज्म और राइटिंग फकिंग स्ट्रांग टू गुड। बहुत सुनने मज़ा आ रहा था। ऑल्सो इट वॉज ए वर्बल पॉन आई थिंक या आई थिंक इट वॉज या गुड स्टफ। लव डैट तीनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तीनों का कोलैबोरेशन इज क्रेजी गॉड। मुझे मज़ा आ रहा था सुन के और मैं अगले गाने पे आपसे मिलूंगी। आई डोंट नो बहुत ज़्यादा बातें नहीं मेरे पास। मुझे बहुत मज़ा आया बस आया सुन के मज़ा आया। द स्टोरी टेलिंग द राइटिंग ऑब्वियसली द बीट एवरीथिंग वॉज पीक एलीट रिच टू मच मनी इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड स्टफ। मनी इन टर्म मनी का मतलब कि इट्स हैवी हैवी स्टफ सॉलिड स्टफ। आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी और गंदे जैसे गाने पे। बाय टेक केयर गुड नाइट सब्सक्राइब।